तो रोड कंडीशन को देख के अब मैं एंगेज कर रहा हूँ 4x4 हाई। लद्दाख, इट इज द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ एवरी टूरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए आपको लेके चलता हूँ एक छोटे से ग्लिम्स पे, जो कि है हमारे 2022 ले लद्दाख टूर के रिगार्डिंग। ये टूर हमने किया था अपने न्यू फैमिली मेंबर फोर्स गुरखा BS6 के साथ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਡ, ਹਮਨੇ ਟੈਂਟ ਪਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਨਮਰਗ ਮੇਂ। ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀੜਾ, ਫੇਮਸ ਰਾਈਸ ਔਰ ਰਾਜਮਾ। अब हम पहुंच गए पत्नीटॉप। वी आर फाइनली एट काजीकुंड। अभी यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास रह गया श्रीनगर। तो ये है ड्राई फ्रूट की मार्केट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। आ गया हमारा काबा। विजय सर काब। अभी हमारी चल रही है चाय की प्रिपरेशन। मैगी तो मैंने आपको दिखाई दी थी बनाई, तो चाय का भी आपको सेटअप बता देता हूँ। आई एम एट जोजिला पास। तो हम पहुंच गए अभी द्रास, और द्रास इसलिए स्पेशल डेस्टिनेशन है। ट्रेडमार्क है ले का कि जब ले आने वाला होता है तो स्ट्रेट सड़कें चालू हो जाती हैं। हम अभी पहुंच गए माँ काली मंदिर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था मान्यता के बारे में। और सेकंड थिंग क्या है कि इसके ऊपर से कोई भी प्लेन फ्लाई नहीं करता। तो ये है भाई शशि मिस्त्री हैं यहाँ पे, जो बाइकर्स ले लद्दाख आते हैं वो उनके लिए तो भाई बहुत काम की चीज़ है। ये बड़े एक्सपर्ट हैं। मैं जब पल्सर 200 NS पे आता था तो यही रिपेयर करते थे सारा, और जो मैं तो ड्राइव करके आता था तो यहाँ पे एक बार सर्विस ज़रूर करता था। सो ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफेटेरिया, 18,380 फीट। तो भाइयों, फाइनली मैंने आपको दिखाई दिया, ये है फारनो गांव पाकिस्तान की तरफ। और आपको छोटी सी इसके अंदर जो उस बार दिख रही है, ये है पाकिस्तान की चौकी। तो आज का सेटअप हमारा कुछ ऐसा, यहाँ हमने खड़ी करी है गाड़ी,
यहाँ पिच किया टेंट, यहाँ बना रहे खाना। फर्स्ट हम ट्राई करेंगे 2x2 में, अगर नई बात बनेगी फिर लगाएंगे 4x4। Yes, Gurkha done it. So finally I am at Siachen base camp and it is proud to me कि मैं यहाँ पे हूँ। हो आपने देखा आगे से एक स्टोन कितना गाड़ी के पास से गया, उसकी स्पीड। सामने है जिस तरह हम उतर के आए थे, सामने है बहुत ही स्टीप इंक्लाइन और गाड़ियां जो है वो बहुत हाई रेस के ऊपर निकाल रहे हैं लोग। तो मैं ट्राई करूंगा इसको 2x2 के अंदर, देखते हैं कि गुरखा के अंदर 4H की जरूरत पड़ती भी है या नहीं। स्नोफॉल और बढ़ गया है और नज़ारा ब्यूटीफुल से और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। ये मैं आपको दिखा रहा था रात को भी कि दो ये बने हुए हैं रिजर्वायर से, ये मैन मेड है, इसके नीचे जो है नेचुरल हॉट स्प्रिंग निकलता है। हम पहुंच गए कारजोक और यहां से सोमरारी का ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है। भाई बात है ऐसी, मैं आया था फोर्स गुरखा को लेके एडवेंचर करने, तो मुझे तो आ रहा है मज़ा, पर मैं उन व्यूअर्स को ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वो एडवेंचर ज़्यादा नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं सिर्फ लद्दाख की नेचर को देखना, उसकी नेचर को एंजॉय करना, तो इस रूट से किसी भी हालत में मत आना। बहुत तेज़ हवा बह रही है और बहुत ठंड भी है। सो हम तंगलंगला पहुंच गए हैं विद माई न्यू फोर्स गुरखा PS6। सो वी आर एट लाचुंगला और लगभग 7 बजे का टाइम हो गया है। हमने छोटा सा स्टॉप ओवर लिया है बारालाचा ला पे।